यस्टरडे वी प्रिपरेशन में हेलोरींस की प्रिपरेशन करी। सी बेटे प्रिपरेशन में क्वाइट थ्री नेमिंग रिएक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री नेमिंग रिएक्शन, वन इज सैंडमेयर, देन गेटरमैन, देन अल्जाइमर। ये आपको रटी होनी चाहिए। गेट हर रिएक्शन में आप जो लेते हो यू विल टेक डाइजोनियम क्लोराइड। इन द सैंडमेयर यू विल टेक कॉपर क्लोराइड एंड HCl, यू विल फॉर्म क्लोरोबेंजीन। इफ यू विल टेक cuprous bromide plus HCl, you will form, or here the HBr, you will form bromobenzene, and अगर आपको आइडो बनानी है तो आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ वॉर्म करोगे। ठीक है, फ्रेश कल करी थी ये हमने, आपने लिखी होगी कल भी दिस डायरेक्शन। अब सुनो जल्दी जल्दी, देखो ये है। इसके अलावा अल्जाइमर है जिसमें आप डाइजोनियम लेते हो बेटे, उसको फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो, देन यू विल गेट N2BF4, then by heating it you will get fluorobenzene giving you BF3 and N2। हाँ जी, अरे बेटे ठीक है, बी फास्ट नाउ। ये 10 तक थी, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, अब ये रिएक्शन करने के बाद आपकी आती है जी बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज। हेलोइल्केन में केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी हरिया? हेलोइल्केन्स किस टाइप की रिएक्शन जाती है? हेलोइल्केन्स किस टाइप की रिएक्शन जाती है? The main property of the haloalkane, if you remember, you have done nucleophilic substitution reaction. Yeah, remembered? You have heard in the class? So these undergo nucleophilic substitution reaction. Halo is a nucleophile and nucleophile is substituting. ठीक है? आप nucleophilic substitution reaction में पहले आप aqueous NaOH, aqueous KOH, पहली reaction हमने ये करी थी। सेकेंड रिएक्शन हमने विलियमसन सिंथेसिस करी थी, इफ यू हैव हर्ड इन द क्लास, द ऑनलाइन क्लास। यस, थर्ड रिएक्शन वी हैव डन विद द KCN, AgCN, एंड आई टोल्ड यू KCN इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज इट इज असेंडिंग द सीरीज रिएक्शन। ठीक बेटे, अगेन टू रिपीट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ haloalkanes is nucleophilic substitution reaction in haloalkane। जब ये haloalkane है RX means CH3Cl, R का मतलब जितने मर्जी कार्बन, X का मतलब हेलोजन कोई भी। ठीक, ये एक न्यूक्लियोफाइल है और इसको सब्स्टिट्यूट कोई करता है, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, है ना? ये नेगेटिव की फॉर्म में बाहर जाएगा, कोई और नेगेटिव आएगा। ये क्या था आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, Cl नेगेटिव निकाले थे, OH नेगेटिव लेके आए थे, OR नेगेटिव लेके आए थे, CN नेगेटिव लेके आए थे, NO2 लेके आए थे, SR लेके आ सकते हो, CH3OO नेगेटिव लेके आए थे, सो मेनी नेगेटिव यू हैव ब्रॉड न्यूक्लियोफाइल्स। ओके अभिषेक, छोड़ दो अब इसको। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करो, बारी बारी हमें पता है, हमने आपकी ड्रिलिंग करवानी है।
ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको कल दिखवाया क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल वो रिएजेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा रिएजेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट कहाँ पे अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज है, पॉजिटिव पे, है ना। अब हम बात कर रहे हैं हैलोअरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टी आई विल टेक आफ्टरवर्ड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन्स। दिस इज अ हैलोरीन, अरीन का मतलब बेंजीन के ऊपर हैलोजन लगाओ, ठीक है। दिस इज योर हैलोअरीन, ठीक है। अब जितनी जल्दी हेलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाती थी, बहुत सारी रिएक्शंस लिखी थी हमने, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, उतनी जल्दी हेलो अरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं जाती। पहली बात, अगर जाती भी हैं तो एक दो ही जाती हैं, वो भी बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ती है। जब हम केमिस्ट्री में ड्रास्टिक कंडीशन कहते हैं, उस कंडीशन को कहा जाता है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर जैसी कंडीशन, ठीक है। अब इन हेलो एल्केन हम जन एक्वस एनयूएच ले गए, हमने रिएक्शन कर दी, ओएच नेगेटिव आ गया। अब यही रिएक्शन अगर हेलो अरीन्स में करनी हो तो आपको 623 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा, कंडीशंस बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा क्यों, हम ये समझे, क्वेश्चन पेपर में बहुत बार ही आ चुके हैं कि व्हाई डज हेलो अरीन नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज फास्ट एज हेलो एल्केन। दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट नाउ इट इज ऑब्जेक्टिव वन, तो आई डोंट नो हाउ इट कम, बट इट विल डेफिनेटली कम ऑन द अदर टाइम। अब इस हेलो अरीन को देखो बेटे, फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह पे मैं क्लोरीन लगा दूं, अब ये जो क्लोरीन है इसके ऊपर लोन पेयर है, यू हैव हर्ड अबाउट प्लस आर रेजोनेंस इन प्लस वन, यू मस्ट हर्ड अबाउट। ये प्लस आर रेजोनेंस दिखाता है जिससे अपने लोन पेयर रिंग के अंदर भेजेगा, ठीक है। जब लोन पेयर रिंग के अंदर भेजेगा, फर्स्ट पॉइंट, तो ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, draw the resonating structures, you should know how to draw it. तो क्योंकि क्लोरीन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है बेटे, अब ये देखो इसके अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, Cl कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से लिंक है, यू कैन सी है। अब सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान है, क्या डबल बॉन्ड तोड़ना आसान है हमारे लिए, नहीं। जब ये टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तभी तो ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा। जब अंदर डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या निकलना आसान है, नहीं है। तो पहला रीजन ये है, ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, इसलिए क्लोरीन आसानी से नहीं निकल पाएगा, दैट इज वाई हेलोरीन डजंट गो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हेलो एल्केन्स जो होते हैं बेटे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं, sp3। ये जो कार्बन है
ये कार्बन sp3 है, ठीक है। इसमें ये जो कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें s करेक्टर ज्यादा, इसमें s करेक्टर कम है। जितना s करेक्टर कार्बन में ज्यादा आ जाएगा तो s ऑर्बिटल इज नियरर टू न्यूक्लियस, ठीक है। कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखेगा क्योंकि नियरर टू न्यूक्लियस है। अगर कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा ही नहीं तो क्लोरीन Cl नेगेटिव की फॉर्म में कैसे बाहर आएगा? नहीं आएगा। अगर क्लोरीन Cl नेगेटिव की फॉर्म में बाहर ही नहीं आएगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट कैसे जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रीजन वॉज रेजोनेंस, सेकेंड रीजन वॉज हाइब्रिडाइजेशन। फॉर द पॉइंट, नाउ कम टू थर्ड रीजन। थर्ड रीजन इज बेटे पोलैरिटी विच अराइजेस फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन ओनली, ठीक है। नाउ व्हाट इज पोलैरिटी? ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड्स इससे इलेक्ट्रॉन खींच रही है, तो हियर इट इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हियर इट इज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे आके अटैक करेगा, क्लोरीन यहां से बाहर आ रहा है इजिली क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर भी आ गया, पोलैरिटी कम होगी। sp2 है मतलब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ ही नहीं रहा, sp3 वाला जल्दी छोड़ रहा है। जैसे जैसे बेटे s करेक्टर बढ़ता जाता है वैसे वैसे पोलैरिटी कम होती जाती है बॉन्ड की, पता है आपको ये बात? बेटे क्यों नहीं पता ये चीजें, क्यों नहीं चीजें पता? देयर इज थ्री हाइब्रिडाइजेशन। देखो जब कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 है, कार्बन डबल बॉन्ड sp2 है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड sp है, ठीक है। अब इसमें s करेक्टर कितना है? 50%। इसमें s करेक्टर कितना है? 25। इसमें s करेक्टर कितना है? लगभग 33%। हाँ तो बेटे sp3 में अब बात मैथ नहीं आता, किसमें? इसमें 50% है बेटे, इसमें 33, इसमें 25, इसमें 33, इसमें 25। अब s करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ेगा, अब s ऑर्बिटल कहाँ होता है? नियर टू न्यूक्लियस, ये आपको पता है बात। अब जो चीज नियर टू न्यूक्लियस है क्या वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी बेटे, sp वाले इलेक्ट्रॉन अपने नहीं छोड़ेंगे, जो न्यूक्लियस के पास पड़े हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, वो बांध के रखेंगे, उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है। द टर्म यूज इज पेनिट्रेशन इफेक्ट, द s ऑर्बिटल इज मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस देन p देन d देन f। दिस क्लास 11, उसको आता है? उसको मत देख, आई नो माई स्टूडेंट, इसको कितना आता है तुझे? थोड़ा थोड़ा आने लगी लास्ट ईयर, ठीक है। इसको आता है sp3 sp2 sp, समझ आ रही है? तो जितना s करेक्टर बढ़ता जाता है ना बेटे, तो वो उसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर घुसा हुआ है, न्यूक्लियस के पास है, जो चीज न्यूक्लियस के पास है वो इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखेगी अपने, जो इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखेगी किसी को छोड़ेगी नहीं, जब देगी नहीं। अब क्लोरीन को अगर ये इलेक्ट्रॉन देगी ना तो सीएल नेगेटिव की फॉर्म में कैसे निकलेगा? sp3 वाला जल्दी दे देगा, sp2 वाला जल्दी नहीं देगा, समझ आ रही है? तो ये कार्बन sp2 है और ये क्या है? sp3। तो अगर ये सीएल एज ए सीएल नेगेटिव निकलेगा तभी तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। एक तो रेजोनेंस होगी बेटे, एक पोलैरिटी हो गई, एक हाइब्रिडाइजेशन हो गई। फोर्थ, अगर क्लोरीन बाहर आ भी गया तो ये चीज बनेगी, क्लोरीन अगर बाहर आ भी गया तो ये चीज बनेगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये होता है फिनाइल कार्बोकेटाइन।
Phenyl carbocation is not so much stable as compared to alkyl carbocation. Phenyl, ठीक है. और अब इसके पास तो दो वेज हैं, SN1, SN2. अगर सिंपल कार्बोकेटाइन बन रहा हो, दैट इज प्राइमरी, तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर लेगी ये. समझ आ रही है? करवाया क्लास में मैंने, शायद वीडियो देख लियो. अदरवाइज SN1 का ऑर्डर क्या होता है? टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी. ठीक है, तो SN1 में टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना लेगी, पर इसने बनाना क्या है? फिनाइल कार्बोकेटाइन, जो कि स्टेबल नहीं होता. तो इसलिए ये जो है वो जल्दी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं जाती. समझ आ रही है? हेलो एल्केन की जहां मेन प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, उसके लिए हमने दो मैकेनिज्म भी किए, SN1 SN2, और बहुत सारी रिएक्शंस भी पढ़ी. अगर हेलो रीन्स की बात करें, वही रिएक्शन ये फास्ट नहीं जाती. इसके क्या कारण है? देर आर फोर रीजन. द फर्स्ट रीजन इज ड्यू टू रेजोनेंस, देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर. सेकेंड रीजन, the carbon is sp2 hybridized. Third reason, low polarity. Fourth reason, if the phenyl carbocation is formed, it is not so much stable. That is why it doesn't undergo nucleophilic substitution reaction as fast as haloalkane will undergo. What's the point? Done. So if you want this haloalkanes to undergo nucleophilic substitution reaction, you have to apply high temperature. Like agar main isko react karwa rahi thi pehle, to humne kya kiya tha? If you remember, we have taken NaOH or KOH aqueous and you are here with this product. But agar isi ko hi react karwana hai, and this reaction is particularly known as Dow's process. इसको अगर NaOH के साथ रिएक्ट करवाना है, तो आपको 673 केल्विन टेम्परेचर, दैट इज हाई टेम्परेचर. ओके, प्रेशर भी 30 एटमॉस्फेयर तक चला जाता है, और उसके बाद भी ये सीधा OH नहीं लगता, पहले यहाँ पे फिनोक्साइड बनता है बेटे, फिनोक्साइड आयन. ठीक है, फिनोक्साइड आयन. और जब भी अल्कोहल फिनॉल्स करेंगे, ये फिनोक्साइड आयन बहुत बारी बनाएंगे. यू विल डू रीमर टीमर कॉलबेस, फिनोक्साइड बहुत बारी बनेगा. जब भी फिनोक्साइड बनेगा, इसे फिनॉल लेने के लिए आपने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर लेना है. तो यू विल गेट फिनॉल. This is one of the preparation of phenol in the next chapter. हैं? बहुत नहीं, अभी तो start हुआ बेटे. This is a phenol, ठीक है बेटे? अब ये ही reaction हमने condition बढ़ा दी. अब electron withdrawing group का जो effect है, हम free time में करेंगे. चलो थोड़ा बहुत हम बता भी देते हैं हमको. अगर हम इस बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? क्या रिएक्शन जल्दी होगी कि लेट होगी? क्यों? हाँ, जैसे जैसे आप इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेटे मेटा पोजीशन पे कभी भी नहीं लेके आओगे.
ये ऑर्थो पोजिशन होती है, ये मेटा है, ये पैरा है। आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्लस आर माइनस आर मेटा पे नहीं लगता। अगर इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं तब भी ऑर्थो पैरा से खींचे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तब भी ऑर्थो पैरा को ही दिए जाते हैं। हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप किनको कहते हैं? जो ग्रुप लगे हों और ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन खींच लें तो बेंजीन जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो बेंजीन के पास मेटा के अलावा कुछ नहीं बचता, दैट इज वाई दे आर नोन एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अदरवाइज हमेशा याद रखना प्लस आई माइनस आई इफेक्ट सारी पोजीशन पे लगता है एंड इट इज डिस्टेंस है प्लस आई माइनस आई। माइनस आर भी होता है, आई टेक ओवर इट, आई शुड टेक इट बिकॉज इट इज गोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो, सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ऑल्सो बेटे। दिस इज क्लास प्लस वन, यू नो यू डोंट नो इवन द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड योर हैलोरीन्स एंड फिनॉल कंप्राइजेस ऑफ दिस ग्रुप्स एंड ग्रुप्स। अब मैं आगे पढ़ा ही नहीं रही हूं, मैं आपको थोड़ा प्लस वन पढ़ाने लगी हूँ बेटे, जस्ट डू द प्लस वन फर्स्ट, यू केम एज अ ब्लैंक। ये बेंजीन है बेटे, क्योंकि अभी आपने अल्कोहल फिनॉल्स करने हैं, हैलोरीन्स भी करने हैं, ये बेंजीन है। बेंजीन जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पता है आपको, इतनी नॉलेज है, सब्स्टिट्यूशन जाती है। इनमें पाई बॉन्ड हैं, इलेक्ट्रॉन बड़े हुए हैं, है कि नहीं है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप अटैक करेगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, पर ऐड नहीं होगा चाहे पाई बॉन्ड है, ये सिर्फ सब्स्टिट्यूट होगा। ऐड क्यों नहीं होगा? तो अगर पाई बॉन्ड है तो ऐड होना चाहिए बेटे, एल्कीन में ऐड नहीं होता, क्यों नहीं होगा? बेटे ये अपनी रेजोनेंस खो देगा अगर आप इसके पाई बॉन्ड के अक्रोस कुछ ऐड करवा दोगे तो पाई बॉन्ड चला जाएगा, रेजोनेंस रहेगी। ये रेजोनेंस नहीं खोना चाहता भाई, रेजोनेंस होने से ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड। अरे बेटे एक सिग्मा है तो एक पाई है डबल बॉन्ड में। जब भी एक से ज्यादा बॉन्ड होते हैं पहला बॉन्ड सिग्मा है बाकी सारे पाई हैं। पी पाई बॉन्ड मेरे से सुन ले, देन विल डू पी ब्लॉक। तो ये रेजोनेंस अपनी नहीं खोना चाहता, इसलिए बेटे इसमें आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते। हम कर क्या सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोफाइल आए, एक बाई तो इसका पाई बॉन्ड यूज करेगा, मगर यहां से ये जो हाइड्रोजन है ये फिर से इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाता है, याद रखना, बेंजीन, बेंजीन विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्लास प्लस वन, समझ आ रही है? अब अगर बेंजीन पे ऐसे कौन से ग्रुप लगा दें कि ये रिएक्शन फास्ट जाए, ऐसे कौन से ग्रुप लगाते हैं कि ये स्लो जाए या ऑर्थो पैरा या मेटा डायरेक्टिव हो जाए? अब एक चीज याद रखो, प्लस आई इफेक्ट होता है, माइनस आर इफेक्ट होता है, एक प्लस आर होता है, एक माइनस आर इफेक्ट होता है। प्लस आई सिर्फ खुद कार्बन दिखाता है,
सिर्फ मिथाइल इथाइल प्रोपाइल खुद कार्बन दिखाएगा, प्लस आई माइनस आर कार्बन के अलावा, माइनस आई कार्बन के अलावा सब दिखाते हैं, प्लस वन में समझाएगा आपको ये। माइनस आई बेटे सारे दिखाते हैं, मतलब कोई भी लगाओ, सीएल लगाओ वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, OH लगाओ वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये सारे माइनस आर वाले हैं। NH2 लगाओ वो भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रो ग्रुप लगाओ वो भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सारे ही माइनस आई वाले होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर OH लगा दूं ना तो इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचना ही है, पर कौन से इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई पे नहीं इफेक्ट पड़ता, सिंगल सिंगल वाले बॉन्ड पे इफेक्ट पड़ता है। और माइनस आई या प्लस आई इफेक्ट जो होता है बेटे वो डिस्टेंस इफेक्ट होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होता जाता है वैसे वैसे कम होता जाता है। यहाँ पे एक ना मोटा ताजा बंदा खड़ा कर देती हूँ, ठीक है, आपको एक रो पकड़ा देती हूँ, आपने सब ने ये रो पकड़ी हुई है, जो सबसे पहला खड़ा होगा ना वो खींच रहे रोप को, सबसे पहले को ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, लास्ट वाले तो कुछ पड़ेगा ही नहीं। ठीक है बेटे, जो पास होता है उसको ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस इफेक्ट है, जितना पास, अगर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो पास वाले को ज्यादा मिल रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं वो भी पास वाले से खींचे जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मिलते और देते सबसे पास वाले को है। आर इफेक्ट जिसे हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं, अब अगर इसको बेंजीन के साथ ही समझो, ठीक है, अब बेंजीन कौन सी रिएक्शन जाता है? इलेक्ट्रोफिलिक। जो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन घेरेंगे, जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन घेरते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्या कहते हैं? ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं दैट इज मेटा डायरेक्टिंग। क्या कहते हैं? जो खींचते हैं वो माइनस आर वाले होते हैं और जो दे रहे हैं वो प्लस आर वाले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखे हैं आपने? अब आप ये याद रखो बेटे, प्लस आर वाले सारे वो ग्रुप्स आते हैं जिनके पास लोन पेयर है। क्या है? क्लास प्लस टू के हिसाब से आपने ये याद रखना है, फिनोल ऑर्थो पैरा है, हेलो अरीन्स ऑर्थो पैरा है, क्योंकि हर एक की केमिकल प्रॉपर्टीज में ये रिएक्शंस आएंगी। एल्डिहाइड कीटोन मेटा डायरेक्टिंग है, कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग है। अगर मैं क्लास प्लस टू लग करूं, प्लस आर वाले जिसके साथ OH Cl NH2 लगा होगा, माइनस आर वाले, ठीक है, जिसमें CHO C डबल बॉन्ड O NO2 लगा होगा, जब ऑर्गेनिक की रिएक्शन बोर्ड पे लिखी जाती है, डोंट सिट आइडल, प्रैक्टिस इट। अब देखो, अगर अभी मैंने क्लोरीन बनाई थी, जब बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगी थी, इसके ऊपर लोन पेयर है, ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है? सबसे पहले ऑर्थो पे। फिर ये अंदर गया, दूसरा नेगेटिव चार्ज कहाँ आया?
पैर पे मुंजा, मेटा पे कोई चार्ज नहीं आया। आया जब इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। मेटा कुछ नहीं करता, तो समझ पहले। जब ये इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं, वेन प्लस आर वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे तो हम नेगेटिव चार्ज कहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं बोर्ड पे, देख कहाँ देख रहे हैं, जो प्लस आर वाले नेगेटिव चार्ज कहाँ देख रहे हैं हम, ऑर्थो और पैरा पे। दैट इज वाई दीज आर नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही आएगा। अब आज इसकी रिएक्शन करोगे ना, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज और जितनी भी इलेक्ट्रोफाइल्स लेके आओगे वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे लेके आओगे। आप खुद लेके आना, मैं कल करवाऊंगी, ठीक है। मेटा पे नहीं आएगा जब उसको इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा नजर आ रहे हैं और इलेक्ट्रोफाइल ने आना है, इलेक्ट्रॉन लविंग ने, उसको इलेक्ट्रॉन ही ऑर्थो पैरा पे नजर आ रहे हैं, वो मेटा पे क्यों जाना है भाई उसने। समझ आ गई? हाँ, जब क्लोरीन लगा होगा ना बेंजीन के ऊपर तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा। और उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि पैरा पे ज्यादा जाएगा, मेटा पे ऑर्थो पे कम, क्योंकि पैरा पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, भीड़ भड़ाका कम है ना, देखो ध्यान से। ऑर्थो पे क्लोरीन पास में ही पड़ी है, देखो है कि नहीं। तो ये क्लोरीन जब ऑर्थो पे माइनर प्रोडक्ट बनता है, पैरा पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। पैरा प्रोडक्ट ज्यादा मेजर बनेगा। टू टू नहीं,